वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर होता क्या है? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर को एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? एटमॉस्फेयर मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, गैसेस, सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारे वाटर वेपर और थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे एरोसोल्स। तो सबसे पहले लेते हैं गैसेस। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? मेनली नाइट्रोजन, जो कि 78% में मिलती है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद कुछ ट्रेसेस मिलते हैं नियोन, हीलियम, क्रिप्टन और भी बहुत सारी गैसेस के। दूसरे नंबर पे आता है हमारा वाटर वेपर। वाटर जो इवेपोरेशन की प्रोसेस के बाद गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे वाटर वेपर कहते हैं। ये भी हमारे एटमोसफेयर का एक बहुत ही मेजर पार्ट है। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं? कोई भी सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉपलेट्स डिफरेंट डिफरेंट साइज में जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, उसे हम एरोसोल्स कहते हैं। ये मोस्टली हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो दो बेसिस पे डिवाइड हो सकता है। पहला है थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और दूसरा है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। तो हम पहले थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके बाद केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स से। स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर मेनली 5 लेयर्स में डिवाइड है। अर्थ सरफेस के जो सबसे पास लेयर होती है उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर की अपर लिमिट को ट्रोपोपोज कहते हैं। सेकेंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट को स्ट्रेटोपोज कहेंगे। थर्ड लेयर होती है मेसोस्फेयर, उसकी अपर लिमिट को कहेंगे मेसोपोज। फोर्थ लेयर होती है थर्मोस्फीयर एंड सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्सोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में जो लोअर थर्मोस्फीयर होता है उसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें आयन्स कहते हैं वो पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इन लेयर्स के एल्टीट्यूड के बारे में कि कौन सी लेयर किस ऊंचाई पर मिलेगी। सी लेवल से 16 किलोमीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फीयर होती है, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर, 50 से 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर, लेकिन उसी में 80 से 400 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर एंड 640 किलोमीटर से हायर एक्सोस्फीयर। अब बात करते हैं टेम्परेचर की कि कौन सी लेयर में कितना तापमान पाया जाएगा। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसे नॉर्मल लैब स्टेट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है। मींस हर एक किलोमीटर पे ऑलमोस्ट 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसकी अपर लिमिट पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट -80 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और इसकी अपर लिमिट पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देन थर्ड इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इसकी अपर लिमिट पे ऑलमोस्ट -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। उसके बाद थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा और अपर थर्मोस्फीयर में 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पाया जाता है। अब बात करते हैं इन लेयर्स के कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर। जितनी भी क्लाइमेट और वेदर एक्टिविटीज होती हैं वो सारी ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। ऑलमोस्ट सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी ट्रोपोस्फीयर में ही पाई जाएंगी। ट्रोपोस्फीयर की हाइट भी वेरी करती है। इक्वेटर के पास इसकी हाइट ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर तक होती है, लेकिन वहीं पोल्स पे इसकी हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे आने से रोकती है। इसकी मेन कंसंट्रेशन 15-30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। उसके बाद आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है। इसमें जितने भी मीटियोर्स होते हैं वो यहाँ पे ही बर्न करते हैं और डिसइंटीग्रेट होते हैं। उसके बाद आता है मेसोपोज। मेसोपोज में सिल्वरी वाइट नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स होते हैं, जिन्हें नाइट ग्लोइंग क्लाउड्स भी कहते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद आता है आयनोस्फीयर। जितनी भी रेडियो वेव्स अर्थ से ट्रांसमिट होती हैं वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो आयनोस्फीयर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ये और लेयर्स में डिवाइड है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर।
ई और एफ लेयर में एक फिनोमिना पाया जाता है जिसे ऑरोरा बोरियलिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न हेमिस्फीयर में कहा जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमारा एटमॉस्फेयर टू लेयर्स में डिवाइडेड है, होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। सी लेवल से 80 किलोमीटर की हाइट तक होमोस्फीयर लेयर होती है एंड 80 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर में किसी भी लेवल पे जो डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं वो सेम प्रपोर्शन में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी लेवल पे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% में है, तो 60 किलोमीटर की हाइट पे भी जो ये डिफरेंट गैसेस हैं ये इसी प्रपोर्शन में होंगी। लेकिन हेट्रोस्फीयर हमारा फोर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर, जो कि 80 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। देन एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर, जो कि 200 से 1100 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। थर्ड इज हीलियम लेयर, जो 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। एंड द फोर्थ इज एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर, जो 3500 से 10,000 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है।